हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मनी इन द बैंक 2020 में होने वाले चार शॉकिंग टाइटल चेंज, जो कि आपको शॉक करके रख देगा और आपके लिए एक मेमोरेबल मोमेंट भी बन जाएगा। तो अगर आप इस वीडियो को मिस करते हो तो काफ़ी चीज़ देखना आप मिस कर दोगे। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को देखो लास्ट तक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ग्रैंड वेलकम, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर दिए। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर वन, ब्रे वायट डिफीट ब्रॉन स्टोमैन। अब देखिए फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे एक्टिव व्यूअर्स होंगे तो काफ़ी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि बेटिंग ओड्स रिवील हुई है और बेटिंग ओड्स काफ़ी बड़ा मेजर रोल करता है WWE के PPV में, क्योंकि बेटिंग ओड्स के रिगार्डिंग ही यहाँ बेटिंग ओड्स के अगल बगल में WWE का विनर घूमता रहता है। और फ्रेंड्स, बेटिंग ओड्स इस मैच की ये रिवील हुई थी कि दोनों सुपरस्टार के इक्वल चांसेज हैं कि जीत सकते हैं, या तो ब्रॉन स्टोमैन इस मैच को जीत सकते हैं या तो ब्रे वायट जीत सकते हैं, यानी कि 50-50 पे दोनों सुपरस्टार का नाम चल रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है कि इस मैच में हमें न्यू यूनिवर्सल चैंपियन देखने को मिल सकते हैं, यानी कि ब्रे वायट की तरफ से। और ऐसा हो सकता है कि ब्रे वायट का जो एक और कैरेक्टर है, ब्रे वायट और फिंड, यानी कि दोनों 1x1x यूनिवर्सल चैंपियन बन जाएंगे, जो कि काफी शॉकिंग हो सकता है और उनके लिए भी, यानी कि ब्रे वायट और फिंड के लिए भी। नंबर टू, इफ CM Punk रिटर्न देन वी हैव अ न्यू WWE चैंपियन। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन देखा होगा तो वो ग्लिच और धीरे धीरे टीज कर रहा है कि वो कुछ और भी पर्दाफाश करने वाला है, किसी और का सच्चाई दिखाने वाला है, क्योंकि वो थोड़ा मोड़ा क्लिप दिखा रहा था मेन इवेंट में हमें देखने को मिला था, यानी कि मेन इवेंट से पहले जो मैच होता है उसमें हमें देखने को मिला था। तो फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है कि अगर मेंस मनी इन द बैंक हमें पहले देखने को मिलता है, अगर CM Punk मेंस मनी इन द बैंक में रिटर्न करते हैं वो ग्लिच के द्वारा, तो ऐसा हो सकता है कि फ्रेंड्स, जो सेथ रॉलिंस का मैच होगा उसमें न्यू WWE चैंपियन हमें सेथ रॉलिंस देखने को मिल सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहीं पर यह राइवलरी एंडिंग नहीं होगी, हमें ऐसा देखने को मिल जाएगा कि उसी दिन CM Punk अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को कैश इन कर सकते हैं और वो न्यू WWE चैंपियन बन सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स देखिए, इसके पीछे का लॉजिक ये है, क्योंकि आपको मालूम हो कि WrestleMania 36 में कितना बवाल चल रहा था कि CM Punk वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन ना उनका हमें रिटर्न देखने को मिला, ना उनका रॉयल रंबल में रिटर्न हमें देखने को मिला, ना ये मैच देखने को मिला। लेकिन मे भी हो सकता है फ्रेंड्स कि ऐसा मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है जो कि वर्ल्ड को शॉक करके रख देगा और आपको भी शॉक करके रख देगा, अगर CM Punk का रिटर्न देखने को मिलता है तो फ्रेंड्स। और मे भी हो सकता है फ्रेंड्स कि अगर AOP रिंग साइड के बाहर होते हैं तो WWE चैंपियनशिप चेंज भी हो सकती है। नंबर थ्री, तमीना विंस SD वुमेन्स चैंपियनशिप। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें थोड़ी मोड़ी खटपट देखने को मिल रही है सासा बैंक और बेली की जोड़ी में, क्योंकि आपको मालूम हुआ कि WrestleMania 36 में वो मतलब अपने आँख के सामने देखते हैं कि उनके दोस्त को पिन किया जा रहा है, लेकिन वो बचाती नहीं है। और ऐसा हो सकता है कि मनी इन द बैंक 2020 में अगर ऐसा हमें देखने को मिला कि SD वुमेन चैंपियनशिप के लिए बेली वर्सेस तमीना का मैच हमें देखने को मिलता है, दोनों सुपरस्टार अपने थीम सॉन्ग के साथ रिंग में आती हैं, अगर बेली के साथ सासा बैंक आती हैं थीम सॉन्ग के साथ, अगर वो रिंग साइड के बाहर होंगे फ्रेंड्स, तो मतलब कन्फर्म ही एक टाइप से लिख लीजिए कि हमें अटैक देखने को मिल सकता है सासा बैंक का बेली पे। और ऐसा हो सकता है कि इस मैच में शायद टाइटल चेंज हो जाए, और मे भी ऐसा हो सकता है कि इस मैच को तमीना जीत जाए, और उसके बाद आगे ऐसा राइवलरी हमें देखने को मिल सकता है कि नॉन टाइटल राइवलरी हमें देखने को मिल सकता है सासा बैंक और बेली के बीच में, और उसके बाद तमीना अपने आगे राइवलरी बढ़ा सकती है या तो लेसी एवेंस के साथ या स्मैकडाउन को और भी कोई वुमेंस के साथ। लेकिन फ्रेंड्स, अगर काफ़ी शॉकिंग ये भी होता है कि अगर हमें तमीना एक वुमेंस चैंपियन देखने को मिलती है, तो क्योंकि आपको मानो कि अभी ज़्यादा मतलब जो हाई वेटेड सुपरस्टार रहते हैं उनको WWE ज़्यादा पुश नहीं देती है एक नए दक्ष को छोड़ के, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि हमें टाइटल चेंज हो जाए नजर आ सकता है। नंबर फोर, फॉरगॉटन सन्स विंस SD टैग टीम चैंपियनशिप। अब देखिए फ्रेंड्स, फॉरगॉटन सन्स का हमें पास्ट वीक के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में डेब्यू देखने को मिला है, और कितना डोमिनेटिंग है आपने देखा ही होगा कि पहले वो लुचा हाउस पार्टी को हराते हैं और उसके बाद कितना डोमिनेटिंग टाइप से वो न्यू डे पे अटैक करते हैं, और काफ़ी अच्छा उनका हमें वीक ग्रिमिक देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा एक हील सुपरस्टार या हील टैग टीम का वो रोल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, माना जा रहा है या ये बोलिए कि अभी भी मतलब बेटिंग और तो सबसे ऊपर में न्यू डे का नाम है, लेकिन फ्रेंड्स वहाँ पे चार टैग टीम है, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है फ्रेंड्स कि हमें न्यू स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस देखने को मिल सकते हैं फॉरगॉटन सन्स की तरफ से। अब देखिए फ्रेंड्स, चार टैग टीम रहेंगी और चारों मतलब अपने तरफ से जान लगा देंगे कि मैं जीतूं, और फॉरगॉटन सन्स काफ़ी नई टीम है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि हमें न्यू स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस देखने को मिल सकते हैं। और इसके बाद WWE का आगे का जो भी पेपर भी होगा, बैकलैश, एक्सट्रीम रूल्स, ऐसा हो सकता है कि हमें मैच देखने को मिल सकता है फिर से SD टैग टीम चैंपियनशिप के लिए फॉरगॉटन सन्स वर्सेज न्यू डे के बीच में। और मे भी जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी रिटर्न्स पे, और उसमें मैंने बताया था कि एक्सेवियर रोड का रिटर्न्स देखने को मिल सकता है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि मनी इन द बैंक से ही ये राइवलरी हमें स्टार्ट देखने को मिले और एक्सेवियर रोड का रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है। और फ्रेंड्स, ऐसा भी हो सकता है कि इस मैच में हमें SD टैग टीम चैंपियंस देखने को ना मिले, न्यू स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस देखने को ना मिले, लेकिन फ्रेंड्स पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है कि हमें न्यू स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस देखने को मिल सकते हैं फॉरगॉटन सन्स की तरफ से। तो फ्रेंड्स, ये जो चारों मोमेंट है काफ़ी शॉकिंग हो सकता है कि जो कि हमें देखने को मिलता है। और लास्ट शॉकिंग मोमेंट मैंने आपको हर वीडियो में मैंने बताया है,
कि मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर फ्रेंड्स मेंस मनी इन द बैंक में हमें ग्लिच के द्वारा सीएम पंक का रिटर्न देखने को मिलता है तो काफी शॉकिंग हो सकता है। तो फ्रेंड्स आप मुझे पर्सनली कमेंट में लिख बताएं कि ये जो चारों मैंने मोमेंट बताया इसमें से किस में से सबसे ज्यादा टाइटल चेंज हो सकता है। तो होप करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि प्रोडक्शन से न्यूज सबसे पहले अपने चैनल पे देते हैं। तो फाइनली पीस आउट फ्रेंड।